अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि अमेज़ॉन एफिलिएट क्या है और इसके थ्रू आप लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं, तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और मैं एक बडिंग टेक एंटरप्रेन्योर हूँ। एंड इस चैनल के थ्रू मेरा बस यही मोटिव है कि जो मेरा नॉलेज है, जो मेरी स्किल्स है, जो मेरी लर्निंग्स है, जो मेरी मिस्टेक्स है, ओवरऑल मैं अपनी एक जर्नी को रिप्रेजेंट कर पाऊँ इस चैनल के थ्रू। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग एंड हाउ यू कैन मेक मनी थ्रू दैट। अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग क्या है एंड इसके थ्रू आप लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं अपने वेबसाइट में यूज़ करके, अमेज़ॉन एफिलिएट को, या फिर अपने ऐप्स में यूज़ करके, या फिर अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक लेमैन टर्म्स में समझा देता हूँ कि अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। सो बेसिकली अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि अगर कोई भी अमेज़ॉन का प्रोडक्ट मैं अपनी इन्फ्लुएंस से सेल करूँ तो अमेज़ॉन मेरे को उस पर कुछ परसेंट कमीशन का देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से एक मोबाइल है 10,000 का, ठीक है, वो मैंने अपनी इन्फ्लुएंस से सेल किया किसी और को, नॉट माई फैमिली मेम्बर्स, तो वो जो प्रोडक्ट मैंने सेल किया है उस पर मेरे को अमेज़ॉन परसेंट के बेस पे कमीशन देता है। सो वो जो 10,000 का प्रोडक्ट जो मैंने सेल किया है, अमेज़ॉन मेरे को उस पर अराउंड 200 की कमीशन देगा। सो वो होता है अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग। नाउ अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग के ट्यूटोरियल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, कैसे साइन अप करना है, कैसे रजिस्टर करना है। सो इस पर मैं डीप में नहीं जाऊँगा, मैं एट प्रेजेंट उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगा जो यूजुअली लोग नहीं टच करते हैं। सो मैं उन टॉपिक्स को अभी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊँगा जो आप लोगों को अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो पहला टॉपिक है वो ये है कि सिलेक्ट कैटेगरी। जो भी आपकी कैटेगरी है, सबसे पहले आप लोग वो डिसाइड करें, अपना नीच डिसाइड करें कि कौन सी कैटेगरी का आप लोग प्रोडक्ट सेल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेज़ॉन पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग बेच सकते हैं, बट उसका जो कमीशन रेट है वो अलग अलग है। लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मोबाइल का कमीशन रेट है वो है अराउंड 2.5%, ठीक है। इसी टाइप से जो कमीशन रेट्स उन्होंने दे के रखे हैं वो आप लोगों को पहले देखने चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने से पहले। सो अगर आप लोग 10,000 का मोबाइल बेचेंगे तो उसका 2.5% इज़ 250 रुपीज़, तो बहुत कम परसेंटेज जो मोबाइल फ़ोन से, इस पर कमीशन बहुत कम परसेंटेज है। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग मोबाइल फ़ोन्स पे मत जाइए, क्योंकि ये वाला जो मार्केट है ये बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुका है एट प्रेजेंट, एंड इसकी कमीशन भी बहुत कम है। मोबाइल फ़ोन्स हो गए, मोबाइल एसेसरीज़ हो गई, आप लोग हेल्थ केयर पर जा सकते हैं, आप लोग ग्रोसरी पर जा सकते हैं, आप लोग अपैरल्स क्लोथ्स के लिए जा सकते हैं। सो इस टाइप से आप लोग नीच अपना डिसाइड कर सकते हैं, ज्वेलरी पे जा सकते हैं, इन सब का 8% 9% ऐसा है। तो ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट करो जिसमें कमीशन थोड़ी हाई हो। पहले कमीशन और ज़्यादा होती थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 के टाइम पे, अब ये परसेंटेज थोड़ी कम हो गई है, बट देन अगेन इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए अब ज़्यादा लोग अमेज़ॉन से शॉप करते हैं। सो इट डजेंट मैटर मच राइट नाउ, बट आई रिकमेंड कि जिसकी 5% से ज़्यादा ऊपर कमीशन हो, आप लोग वो वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाउ टू यूज़ दैट इन योर ऐप्स, या फिर अपनी वेबसाइट में उसको कैसे यूज़ करें। सो लेट्स से आप लोगों का एक ऐप है, एक रेसिपी बेस्ड ऐप है, ठीक है। अब उसमें एक रेसिपी है चिकन ग्रिल के ऊपर, चिकन ग्रिल कैसे बनाएं। सो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही रेसिपी स्टार्ट होती है, आप लोग ये कह सकते हैं कि फॉर दिस रेसिपी ये वाला ग्रिल रिकमेंडेड है, ठीक है, हम ये वाला ग्रिल यूज़ कर रहे हैं, एंड वी यूजुअली रिकमेंड कि आप लोग भी इसी कंपनी का ग्रिल खरीदिए। एंड फिर वहाँ पे साइड में अमेज़ॉन का लिंक दे दीजिए, ठीक है, वहाँ पे साइड में आपने एफिलिएट लिंक दे दिया आपने अमेज़ॉन का। एंड देन फिर नीचे अपनी रेसिपीज़ में आते गए, फिर आपने कहा इसके लिए यहाँ पे आप लोग वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करिए, ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर कंपनी का ऑलिव ऑयल रिकमेंड करता हूँ, वहाँ पे आप अपने रीजंस दे दीजिए, एंड देन वहाँ पे अमेज़ॉन का लिंक दे दीजिए। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, मेरा एक फिटनेस बेस्ड ऐप है जिसमें मैं फिटनेस के टिप्स देता हूँ, ठीक है, कि हाउ टू रिमेन फिट, ठीक है। उसमें मैंने एक मॉर्निंग रूटीन दिया कि आपको मॉर्निंग में ये वाला रूटीन फॉलो करना चाहिए अगर आपको वेट लॉस करना है तो, और ये वाला रूटीन फॉलो करना चाहिए अगर आप लोगों को वेट गेन करना है तो, ठीक है। उसमें मैंने कुछ रेसिपीज़ डाल दी कि सुबह उठो, सुबह सबसे पहले ओट्स ले लो, ठीक है, एंड देन लाइकवाइज आप लोग चिया सीड्स यूज़ कर सकते हैं, आप लोग एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर सकते हैं, आप लोग पम्पकिन सीड्स एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट देयर, ठीक है, आप लोग वहाँ पे ऐसे रेसिपीज़ दे सकते हैं, आप लोग ऐसे वहाँ पे टिप्स दे के देन वहाँ पे प्रोडक्ट्स का लिंक दे सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजिकली प्लेस करना पड़ेगा अपने
प्रोडक्ट्स को अपने ऐप के अंदर या फिर इवन अपनी वेबसाइट के अंदर भी। तो वेबसाइट पे आते हैं, मैं एट प्रेजेंट दो ऐसी वेबसाइट पे वर्क कर रहा हूँ, लेट मी शो यू गाइस। मेरी दो वेबसाइट है, एक है माई कार डायरी डॉट और एक और है मेरी फाइंड गिफ्ट्स डॉट इन। ये दोनों अभी नई वेबसाइट है, आप लोग चाहें तो इसको विजिट करके एक बार देख सकते हैं कि इसमें क्या कॉन्टेंट मैंने डाला है। एंड अभी ये एक्चुअल में अभी बिल्डिंग स्टेज पर ही है, फिर भी एक बार ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें कैसे कंटेंट को प्रोड्यूस किया है। एंड इसमें अभी मैं काफ़ी चेंजेस करूँगा, सो अभी ये टेस्टिंग फेज पर ही है। एंड कोई कोई आर्टिकल्स है जो मेरे गूगल पे फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे डालूँ बेस्ट कार एयर फ्रेशनर इन इंडिया, तो ये जो पहला जो ये रैंक है ये मेरी वेबसाइट है माई कार डायरी डॉट इन टॉप 10 बेस्ट कार एयर फ्रेशनर्स, ठीक है। तो सो कोई कोई मेरे रैंक कर रहे हैं यहाँ पर भी, तो ये वो वेबसाइट्स हैं जिन पे मैं अभी करेंटली वर्क कर रहा हूँ। एंड इसका जो रिव्यू है वो मैं शेयर ज़रूर करूँगा कि कैसे मैंने इसमें प्रोग्रेस किया है, कैसे मैं क्या क्या चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, एंड जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी। एंड इसका रिव्यू मैं अभी नहीं, एंड जैसे अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, तो हर एक एक्शन को जो भी वेबसाइट में जो भी आप चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, सो रिज़ल्ट्स इसके अराउंड 6-7 महीने बाद ही आ पाएंगे, तो 6-7 महीने बाद ही मैं शेयर कर पाऊँगा इसके बारे में। तो इसके रिव्यूज़ जो हैं वो मैं अराउंड फेब के टाइम पे ज़रूर शेयर कर दूँगा, तब तक चैनल ये सर्वाइव किया तो, क्योंकि अगर मेरे को ऐसा लगा कि ये चैनल वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा है, इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फिर मैं कहीं और टाइम इन्वेस्ट कर लूँगा, किसी और टाइप का मैं चैनल खोल दूँगा। सो इट डिपेंड्स, ठीक है, अगर तब तक किया तो मैं ज़रूर इसके रिव्यू शेयर कर दूँगा। जैसे ही आप लोगों ने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, आप लोगों ने सोच लिया कि मेरे को कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे अपने ऐप्स या किस टाइप की मेरे को वेबसाइट्स में यूज़ करना है, मैं किस टाइप से इसको यूज़ कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट या ऐप्स में, तो फिर आप लोग इसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आता है थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी गाइडलाइंस क्या है। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप लोग गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो आपके अकाउंट को बैन किया जा सकता है, एंड जो आपके जो मनी है जो आपके अकाउंट में उसको भी फॉरफिट किया जा सकता है अमेज़ॉन के थ्रू। सो उन गाइडलाइंस को एक अच्छे से पढ़ लो, एंड मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या गाइडलाइंस है, क्योंकि बहुत सारी है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। सो मैं वो सेपरेट वीडियो जल्दी बनाऊंगा, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर वेट करें। सो फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी पेमेंट्स कैसे होती है, कि अब आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बना ली है, अब आप लोगों का ऐप में आप लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया है उसको, तो जो इसकी पेमेंट्स होती है वो अराउंड 60 डेज के बाद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कुछ सेल्स करी है जनवरी में, तो मेरे को मार्च के एंडिंग में या फिर अप्रैल के फर्स्ट मंथ में होगी। सो ये जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ऐसा नहीं होता गूगल की तरह कि आप लोगों ने लास्ट मंथ अर्न करी एंड देन आप लोगों को 21st 22nd को वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। ये NEFT के थ्रू होती है, इसका जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट रहता है वो 1000 रुपीज़ रहता है, एंड ये आपको 60 दिनों के बाद, मतलब अराउंड 2 से 2.5 महीने मान लो, 2 महीने एग्जैक्ट नहीं रहते, सो जैसे अगर जनवरी में हुई है तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को मिल जाएगी। सो जब आप लोगों की वेबसाइट या ऐप तैयार हो जाए, अगर आप लोगों का अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों को पहले कुछ तो एक एसेट चाहिएगा, डिजिटल एसेट जिसको आप लोग भेज के अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट का अप्रूवल ले सके। तो आप लोग या तो फिर ऐप भी दे सकते हैं, अगर आपकी अच्छी फॉलोइंग है इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, आप लोग उसका यूज़ करके अमेज़ॉन एफिलिएट का अप्रूवल ले सकते हैं, या फिर ब्लॉग बना सकते हैं, ब्लॉग में एटलीस्ट 10 आर्टिकल्स इंक्लूड करो अच्छे क्वालिटी के, एंड उसमें एड्स मत शो करो एट प्रेजेंट, किसी भी टाइप के पॉपअप एड्स, गूगल एड्स कुछ मत शो करो, सिर्फ अमेज़ॉन एफिलिएट को टारगेट करके वाली वेबसाइट बनाओ, अप्रूवल मिल जाएगा आप लोगों को। एंड ये गाइडलाइंस को फॉलो करो, एंड ज़रूर ध्यान में रखो कि कोई चीज़ वायलेट मत करो, कोई गाइडलाइन वायलेट मत करो, नहीं तो फिर आपको अप्रूवल भी नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया तो आप रिस्क पे रहोगे कि वो कभी भी आपका अप्रूवल ले सकते हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई हो, और अगर इस वीडियो ने कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी हो तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा, एंड अगर आप लोगों का कुछ फीडबैक, कुछ क्वेरीज हो तो इनको नीचे कॉमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन, अंटिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय एंड कीप लर्निंग।